मैं ये कहूँगा कि पूरा जम्मू जो है, जम्मू शहर जो है, और हमारे साथ यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठा हुआ है, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि हमारे जो इशू हैं, क्योंकि वो हमेशा ही एक ही बात को लेकर के हुए हैं कि किस तरह से हमारे जम्मू के ट्रेड को डिस्टर्ब किया जा रहा है, और मैंने हमेशा एक ही बात की चिंता की है। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं कोई पॉलिटिशियन पॉलिटिक पार्टी के साथ मैं कोई एफिलिएशन मेरा इस समय नहीं है। मेरे लिए चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे एनसी है, चाहे पीडीपी है, चाहे जो नई पार्टियाँ अपनी पार्टी बनी है या कोई और बनी है, मेरे लिए एक ही मुद्दा है कि जम्मू की जब जब आवाज़ जो है उसको प्रेस किया जाएगा, सप्रेस किया जाएगा, हम जो हैं एज चैम्बर हम बोलेंगे, और हम लोग जो हैं ट्रेड और इंडस्ट्री के जितने भी इश्यूज हैं उसको रेज करेंगे। भाइयों, पिछले 7 महीने से मैं 8 महीने हो गया मैंने जब से चार्ज लिया, तब से मैं देख रहा हूँ किसी ना किसी तरह से जम्मू के ट्रेड को डिस्टर्ब किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, और उसमें डिबेट भी कोई नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि डिबेट जो होनी चाहिए कि हमारा ये जो ट्रेड है इसको हम इस वजह से हम लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, इस ट्रेड को हम लोग इस वजह से डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसमें डिबेट होनी चाहिए। बंद कमरे में बैठ करके, एसी रूम में बैठ करके वहाँ से ऑर्डर पास होते हैं और सारे का सारा जो हमारे जम्मू का बिजनेस है उसको किसी न किसी वजह से डिस्टर्ब किया जा रहा है। आपके सामने है वाइन ट्रेडर्स के साथ क्या हुआ। आज आप देखिए ऑल ओवर कंट्री जब हम लोग बात करते हैं, ऑल ओवर कंट्री बार और रेस्टोरेंट के लिए एक सिंगल लाइसेंस है, एनओसी हैं। अगर उन्होंने एक बार लाइफ में एनओसी ली उसके बाद उनको एनओसी लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जम्मू ड्यूटी, जम्मू कश्मीर ड्यूटी मैं कहूँगा, यहाँ पर बैठे हुए लोग जो हैं उन लोगों ने इस ट्रेड को भी डिस्टर्ब करने की कोशिश की है जा सके, लेकिन अनफॉर्चुनेट है 1.5 महीना हो गया है। जितने भी एसओपी निकलते हैं, हर हफ्ते जो हैं हर वीक में एसओपी निकलता है और चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से निकलता है, लेकिन वो कैपिंग जो है आज तक बरकरार है। मैं हैरान हूँ कि हमारी जो मीटिंग्स हैं, मैं एलजी साहब की मीटिंग्स देखता हूँ, मैं उनके जो प्रोग्राम्स हैं मैं वो देखता हूँ, किसी प्रोग्राम में 250 से 300 लोग जो हैं कम से कम वहाँ पर आए होते हैं, तो क्या वो वहाँ पर कैपिंग कोई नहीं है? कैपिंग और बैंक्वेट हॉल के लिए है, कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना फंक्शन करती है, कोई 500 से 1000 तक का फंक्शन होते हैं, चाहे वो बीजेपी का है, कांग्रेस का है, एनसी का है, किसी का भी है, तो वहाँ पर कैपिंग कोई नहीं है। और सिर्फ क्योंकि बैंक्वेट हॉल जो हैं सिर्फ और सिर्फ जम्मू में है, उनको डिस्टर्ब कैसे किया जाए ये गवर्नमेंट जो है भली भांति जानती है। मैं आपके माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहूँगा, आज हम लोग जो जहाँ पर इस तरह का एक माहौल बन चुका है, जम्मू के साथ जिस तरह का भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है वो हो रहा है। देखिए भाइयों, आज से आप 7 महीने 2 साल पहले चले जाइए, 2 साल पहले सैंड मतलब रेते का रेट क्या था और बजरी का रेट क्या था? 1200-1300 रुपया रेते का रेट होता था, 1500 रुपया बजरी का रेट होता था। आज वो कहाँ पहुँच गया? 4000 और 5000 के बीच में पहुँच गया। गवर्नमेंट जो है कहाँ कंट्रोल कर रही है, किस तरह के ये सारे इश्यूज जो हैं रेज कर रही है हमें आज तक नहीं पता चला, और हम लोग डिमांड करते हैं। मैंने कितनी बार इनको मेल की है कि आप हमारे साथ बैठिए, और डिबेट करने में इनको क्या प्रॉब्लम है, हमारे साथ बैठे हैं, हमसे मिलने में भी इनको दिक्कत है और हमारे साथ बैठने में और डिबेट करने में भी इनको दिक्कत है। मैं हैरान हूँ, हम जम्मू के 1000 युवाओं को रोज़गार देंगे तो हमारे जो बेरोज़गार होंगे उसकी बात की चिंता किसने करनी है? यहाँ 20,000 आउटलेट जो हैं वो बंद हो जाएंगे हमारे स्मॉल ट्रेडर्स, उस करियाने वाले होंगे, कुछ ग्रॉसरी जो शूज़ वाले होंगे, वहाँ पर तो आपको हर चीज़ मिलनी है, ग्रॉसरी का सामान नहीं मिलना सिर्फ। वहाँ पर आपको मेडिसिन भी मिलेगी, आपको वहाँ पर रेडीमेड गारमेंट्स भी मिलेंगे, शूज़ भी मिलेंगे, हर चीज़ जो है इन आउटलेट्स पे आपको अवेलेबल होगी, और इस तरह का हमारे जो जम्मू के ट्रेड को जिस तरह से डिस्टर्ब किया जा रहा है हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और उसी बात को लेकर के मैं उसके साथ और चीज़ें जोड़ना चाहूँगा, इशू एक हो तो हम आपको बताएं, इशू पे इशू, इशू पे इशू,
बात आती है दरबार मूव की। देखिए 1988-89 में एक बार दरबार मूव जो है उस समय की जो पॉपुलर गवर्नमेंट थी, फारूक अब्दुल्ला साहब थे, उन्होंने कहा कि अब दरबार मूव नहीं होगा। दरबार मूव जो है उसको रोक दिया गया। तो जम्मू जो है, जम्मू 23 दिन बंद रहा। उसमें चैम्बर, बार और बीजेपी, स्पेशली मैं ये कहूँगा क्योंकि उस समय बीजेपी का रोल यही होता था कि कोई भी बात होती थी तो इस बात की चिंता होती थी कि जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लेकिन आज जो पोजीशन बनी हुई है कहीं उनको दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ पर क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं। जम्मू दरबार अगर मूव नहीं होगा, इन लोगों को एक चीज़ समझ नहीं आती, यहाँ पर बैठे हुए चेयर पर बैठे लोग हैं उन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि आप लोगों ने 200 करोड़ रुपया बचा लिया ट्रांसपोर्ट का, कि हाँ जी हमारी शिफ्टिंग होती थी 200 करोड़ रुपया बचा लिया। अरे यार, हजारों करोड़ रुपया जो है जो वहाँ से यहाँ आती थी, फैमिलीज की फैमिली आती थी, यहाँ पर कितने फैमिली जो हैं उन सब ट्रेड जो है वो नहीं चलता था, ट्रांसपोर्ट चलता था, रेंट होता था, बिजनेस में सभी जो है परचेजेस करते थे, इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीदते थे, तो क्या उसका टैक्स जो है वो गवर्नमेंट के घर में नहीं जाता था? यहाँ से जो वहाँ पर लोग जाते थे उनका भी वही सिस्टम होता था। तो ऐसा क्या कारण बन गया कि इन्होंने वहाँ एक यूटी बना दी कि वहाँ के लोग वहाँ रहें और जम्मू के लोग जम्मू रहें? तो फिर अलग यूटी जो है, मुझे ये समझ में आती है कि अगर यही करना है तो दोनों को अलग अलग यूटी बना देना चाहिए। जम्मू में जो है हर चीज़ को डिस्टर्ब करना यहाँ की गवर्नमेंट का हक है। मैं आपके माध्यम से, क्योंकि मैंने अपने ऑफिस में बाज़ार एसोसिएशन जो हैं हमारी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप अपना मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, और हर एक की तरफ से मुझे एश्योर किया गया कि हमें जो है एक दिन की टोकन हड़ताल करनी है ये बताने के लिए, और उसके बाद भी अगर ये लोग नहीं जागेंगे तो जम्मू जो है इनडेफिनेट बंद होगा आने वाले दिनों में। लेकिन एक दिन की जो टोकन हड़ताल है वो 22 तारीख वेडनेसडे को हमने जम्मू बंद की कॉल दी है। हर तरफ से हमें अश्योर किया गया है, और आने वाले दिनों में हमेशा मैं एक बात को समझता हूँ कि बार, चैम्बर या बाकी के जो इलेक्टेड बॉडीज़ हैं हमेशा इकट्ठी चली हैं, और मुझे उम्मीद है कि बार की तरफ से भी आपको जो आश्वासन जो हमें मिला है वो आपको कन्वे किया जाएगा। हर तरफ से हमें सपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट से भी हमने बातचीत की है। अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच में आज त्रिलोचन सिंह वजीर नहीं हैं, वो अगर क्योंकि हमेशा जब भी कोई ट्रांसपोर्ट की बात होती थी तो वो हमेशा हमारे साथ बैठते थे। आज जो हैं, आज भी ट्रेडर्स ट्रांसपोर्टर्स जो हैं इस बात को लेकर के बड़े क्लियर हैं कि हम जो हैं जम्मू के किसी भी इशू को लेकर के, जब जब जम्मू का इशू आएगा हम आपके साथ रहेंगे, और मुझे लगता है कि पूरा ट्रांसपोर्ट बंद रहेगा, पूरा जम्मू बंद रहेगा। और मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट से इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि ये जो बंद है, एक दिन की टोकन बंद है, ये कहीं हमें एक्सटेंड करना पड़ जाए। धन्यवाद।